इनका सारा जो हम लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, वो इस बात में है कि समाज की उन्नति हम कैसे करें। जैसे हम लोग गांव में देखते थे कि सुबह सुबह सारंगी बजाने वाला कोई साधु आ जाता था और वो भजन गाता था, गीत गाता था, समाज बोध की बातें सुनाता था। उसे उसको बदले में आपने उसकी झोली में जो डाल दिया उसने ले लिया, आपने नहीं डाला तो भी वो आपको आशीष देते हुए आगे चला गया। तो ये जो जोग जगाने वाला काम होता है, समाज में मनुष्यता को अधिक प्रांजल और प्रखर बनाने का काम होता है, उसकी बुनियाद, उसकी नींव अगर कहीं से मैं देखता हूं तो इस महाविद्यालय के प्रबंधन समिति की तरफ से देखता हूं। इसलिए जब इस तरह के कार्यक्रमों को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको कोई शीर्षक देना होता है, तो आपको मुड़ के उसी तरफ देखना होता है, क्योंकि इस तरह की किताबें, इस तरह के कार्य इसलिए नहीं किए जाते कि उनसे आपको धन अर्जित करना है। आज के समय में जिसे हम लोग कहते हैं कि भूमंडलीकरण का समय है, उदारवाद का समय है, और एक ऐसा समय है जहां पे बाजार केंद्रित मानसिकता है, सारी चीजें खरीदने और बेचने के लिए है। ऐसे में जब मैं कभी भी महाविद्यालय के चेयरमैन के रूप में चाहे सर के पास जाऊं या किसी भी ट्रस्टी के पास जाऊं, तो उनका एक ही प्रश्न होता है, इससे बच्चों का क्या भला हो रहा है, समाज का क्या भला हो रहा है। तो ये जो पीस ऑफ आइडेंटिटी है इस महाविद्यालय की, उसी को रेखांकित करते हुए, जैसे कि श्रीमती एनी मैम ने बताया कि समाज के सैकड़ों वंचित परिवारों को आज पता नहीं कितने सालों से जो है अन्न वाटप का कार्य जो है कि थ्रू होता है, पता नहीं ऐसे कितने सामाजिक कार्य, मतलब कई सारी चीज कार्य तो ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख हमारे लोग करना नहीं चाहते, लेकिन उनके माध्यम से कहीं ना कहीं वो चीजें होती रहती हैं। तो उसी पीस ऑफ आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं रिमार्क करते हुए इनकी बोध कथाओं की जो किताब है उसका शीर्षक हम लोगों ने लिया जोगिया जो जगावत है, मतलब वो समाज में बोध की प्रखरता के लिए है, मनुष्यता की प्रांजलता के लिए है। ये समाज पे है कि वह उसमें से कितना लेता है, कितना स्वीकृत करता है, कितना अस्वीकृत करता है। बाकी अपनी बातें यहाँ पे विजय भाई खुद रखेंगे। मैं मंतव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर विजय भाई पंडित को।